हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम डिस्कस करेंगे प्रेसिस के बारे में। जैसा कि आप जानते होंगे कि प्रेसिस आपके एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाएगा और करके क्वेश्चन दिया रहता है। जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो आप लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, 12 मार्क्स का जो इंग्लिश होगा 100 मार्क्स का, उसमें देखिएगा एक पैसेज दिया रहेगा और दूसरा आपको प्रेसिस दिया रहेगा। तो आप पैसेज और प्रेसिस में से कोई एक क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो एक पैसेज प्रेसिस हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे, आपको दिख रहा होगा प्रेसिस का क्वेश्चन। आप उसको क्या करें, पहले अच्छे से रीड कर दें। अच्छे से रीड करने के बाद एक टाइटल खोलना है। तो पहले हम क्वेश्चन को रीड कर देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैन हैज मेनी लिमिटेशंस, ही इज अ मिक्सचर ऑफ गुड एंड इविल, नेचुरली ही कमिट मिस्टेक्स, अदरवाइज ही वुड बी अ गॉड। वी हैव द एग्जांपल ऑफ जीसस क्राइस्ट, ही फॉरगेव हिज टॉर्मेंटर्स, ही बिलीव्ड दैट They were ignorant and therefore they tortured him. His greatness lay in his spirit of forgiveness. His life teaches us that we must forgive them wrongdoer by ignoring his mistakes. We give him a chance to reform. We rise to godliness by forgiving others and showing mercy to them. एक क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा। आप भी एको क्या करें, इसको अच्छे से एक बार रीड करें, अच्छा सा टाइटल खोलें। तो चलिए इसका टाइटल आपको बता देते हैं। इसका टाइटल आपको होगा, यहां हम लिख देते हैं, इसका टाइटल आपको लिखेंगे, मैन हैज मैनी लिमिटेशंस। अब जब टाइटल आप लिख लेते हैं अच्छे से, तो टाइटल लिखने के बाद आप क्या करें, आप प्रेसिस को अच्छे से रीड करें। रीड करने के बाद ये काउंट करें कि टोटल वर्ड्स कितना है, क्योंकि प्रेसिस बनाने का ट्रिक है। हम ट्रिक आपको यहाँ लिख देते हैं, आप कॉपी पे लिख लीजिएगा। इसका ट्रिक क्या है, अब जितना भी वर्ड्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको वर्ड्स लिखा हुआ दिख रहा है, इस सारे वर्ड्स को आप अच्छे से काउंट करें। मान लीजिए एक एग्जाम्पल देते हैं, हम टोटल वर्ड्स को काउंट किए तो टोटल वर्ड्स आपको आया है 90। टोटल वर्ड्स कितना आया, 90। अब इस 90 को क्या करें, 3 से डिवाइड कर दे। जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, आपको 30 आएगा। आपको प्रेसिस को बनाना है कितने वर्ड में, 30 वर्ड में। लेकिन इसको जब आप काउंट कीजिएगा तो टोटल आपको आएगा 85 वर्ड। कितना आएगा आपको, 85 वर्ड। अगर आप 85 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो डिवाइड करने के बाद आपको लगभग में 28 वर्ड आएगा, 28 वर्ड आएगा। तो आप 28 से लेकर के 30 वर्ड के आसपास में जो भी अच्छा अच्छा वर्ड होगा उसको उठा ले और उसको यहाँ पे अच्छे से फिल करें। फिल करने के बाद जो भी टोटल वर्ड्स आया है उस टोटल वर्ड्स को आप यहाँ पे लिख दें। जैसे जो प्रेसिस यहाँ दिख रहा है, इसका टोटल वर्ड से 85, तो यहाँ पे आप 85 लिखें। इसके बाद जब आप इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 से डिवाइड करने के बाद टोटल आया 28। तो जब आप लिख दीजिएगा प्रेसिस को, तो लिखने के बाद देखिएगा कितने वर्ड्स आ रहा है। मान लीजिए आपको 28 वर्ड्स आ रहा है तो आप 28 यहाँ लिख दें। इससे आपके एग्जाम में 4 नंबर फिक्स हो जाएंगे। इसलिए अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करें, देख ले। और एक क्वेश्चन और हम आपको इंक्लूड करते थे यहाँ पे, जो आपका होमवर्क रहेगा, आप उसको अच्छे से बना के लाइएगा। दैट्स ऑल।